हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही कि कोई भी नया अपडेट आता है मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहता हूं। तो आज मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं, न्यू रूल आया है एमआरपी के ऊपर लीगल मेट्रोलॉजी की साइट से। और जिन जिन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी अपडेट्स मिलते रहें और जो जो मेरी वीडियोज बनाई हुई हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो। अभी मैं आपको अपडेट करता हूं कि एमआरपी के लिए क्या नया रूल आया है लीगल मेट्रोलॉजी की साइट से। आइए चलते हैं रूल पर। जैसे कि ये रूल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, और ये रूल आया था 31 अक्टूबर 2021 को। ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 पे है, सेक्शन 52 का है, और ये अमेंडमेंट आपको मतलब फोर्सली फॉलो करना है अप टू वन डे ऑफ अप्रैल 2022। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ तक आपको फुली सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। और इसको शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं बताता कि इसमें क्या मेन फोकसेबल है। तो इस रूल पे जो फोकस है, द यूनिट सेल प्राइस शैल बी डिक्लेयर एट, कि आपको पर यूनिट का भी किस वे में दिखाना है। ये नया अमेंडमेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब आपको पर यूनिट वेट भी, पर ग्राम वेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। किस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, इसके कुछ ऑप्शंस दिए इन्होंने, वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए पहले सबसे पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं। RS स्लैश जो भी आपका MRP वहाँ आ जाएगा, पर ग्राम आएगा फॉर प्री पैकेज कम्योडिटीज विद नेट वेट। ये ध्यान देने की बात है, अगर जिसका वेट 1 kg से कम होगा उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे RS डैश। इसको मैं आगे अभी और ब्रीफ करने वाला हूँ आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, लेस देन 1 kg। नेक्स्ट है RS स्लैश पर kg। ये देखिए यहाँ पे ग्राम था और यहाँ पे kg आ रहा है, अगर आपका 1 kg या उसके से ज्यादा के लिए अगर वेट है तो क्या हो जाएगा, ये पर केजी में आएगा, आपको ये ध्यान देना है। सिमिलरली अगर आपका लेस देन 1 meter है तो पर सेंटीमीटर में आएगा, और अगर 1 meter या मीटर से ज्यादा है तो फिर ये मीटर में हो जाएगा। जैसे वहां पे ग्राम और केजी में हो रहा था, यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर में, बाकी सब कुछ सेम है। अगर ये आपका नंबर में है तो आर एस स्लैश पर नंबर आएगा, अगर आपका ये लीटर में है तो लेस देन 1 liter है तो पर ml आ जाएगा, और मोर देन और इक्वल टू 1 liter है तो पर लीटर में आएगा। और ये किस वे में फॉलो करना है ये मैं आपको ब्रीफ करता हूं। देखिए जैसे कि न्यू रूल के बारे में आपको ब्रीफ करता हूं कि न्यू रूल है कैसे और आपको समझना है किस तरीके से। इससे पहले हम जो लिखते थे किस तरीके से लिखा करते थे, RS 11, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, RS 115.00, 115.00 इंक्लूसिव ऑफ फॉल्ट टैक्स आता था साथ में, केवल इतना ही हम लिखा करते थे एमआरपी के लिए। बट अब आपको ध्यान देना है कि 1 kg फॉर बिलो 1 kg, याद देखिए जो उसने 1 kg के लिए क्या बोला था कि यहाँ पे ग्राम वाला सेक्शन आना है। तो अब आप कैसे लिखेंगे 115.00 RS, और ये कैसे निकालेंगे आप, ये चीज ध्यान देने की बात है। RS पर ग्राम का भी वेट आपका यहाँ पे आएगा। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा 650 ग्राम का वेट जो MRP थी वो 170 rupees थी, 170.00। अब मैंने इससे क्या निकाल लिया, क्योंकि मेरे को पर ग्राम का वेट निकालना है, तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा 261.5, वो बन जाएगा 262। अगर पॉइंट से 5 में चले जाता तो यूनिट्स आगे वो कम, अगर ये 261.4 रहता तो मैं 261 ही लेता, तो ये कितना बदल गया 262। तो पर ग्राम का वेट कितना हो गया 0.262 डिवाइड बाय 1000 के से निकाल लिया तो 0.262। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा ये समझिए कि अब मेरा लिखने का जो मेरा 650 ग्राम का जो पैकेज था या जो मेरा आउटर था जो लेमिनेट था उसमें मैं इस तरीके से लिखूंगा 170.00 जो MRP मेरी पहले की थी। बट उसके साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा RS.262 कहां से आया, ये जो मैंने यहां से निकाला था 262 यहां से आया, पर ग्राम लिखना जरूरी है। जैसा कि आपके रूल ये बोल रहा था कि RS स्लैश पर ग्राम लिखना है अगर 1 kg से कम होता है तो। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये 1 kg से कम के लिए मैंने ये रूल अप्लाई, अब कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कोई 1.2 kg का मटेरियल है, उसका वेट था 720.00, ये मेरा ओल्ड है, इसको मैं बोलूंगा कि ये ओल्ड तरीके को मैं ऐसे लिखता था। अब न्यू तरीके में कैसे लिखना है वो देखिए, न्यू में हम लिखेंगे RS तो आप यहाँ पे भी डालते ही थे, RS तो दोनों में ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं RS 720 per kg, यहाँ पे kg आ गया, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि
अगर आपका एक केजी से कम है तो आपको ग्राम में पर यूनिट वेट भी डिसाइड करना है, बट अगर आपका केजी में तो आपको सीधा आरएस 0.722 पर केजी लिखना जरूरी है अगर एक किलो या एक किलो से ज्यादा की हम बात करते हैं तो। तो आपको यह समझना है कि दोनों में सेग्रीगेशन एक किलो से कम में होगा तो आप इस तरीके से पर ग्राम का भी वेट बताएंगे, और अगर आपका इस तरीके से होगा तो आरएस आप ये पर केजी बताएंगे। तो ये था मेन पॉइंट जो आपको समझने के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अमेंडमेंट जल्दी अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो काफी टाइम बाद तक अपडेट हो पाएगा। तो ये आप अगर इंडस्ट्रीज में कहीं पे भी आप ये चीजें फॉलो कर रही है तो टाइमली को अपडेट कर लीजिए, अपने प्रोसेस में इंप्लीमेंट करवा लीजिए, जिससे कि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू।